साथ साथ चलना चाहिए। तो एक तो पहले मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगा कि वाजपेयी साहब बहुत ज़्यादा मजाकिया लोग, बड़े मजाकिया टाइप के बंदे थे वो, और अटल बिहारी वाजपेयी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो आपको याद होगा वो लाहौर गए थे। लाहौर में एक महिला पत्रकार ने उनसे कहा कि मैं कुंवारी हूँ लेकिन एक शर्त पर आपसे शादी करना चाहती हूँ कि यदि आप कश्मीर मुझको मेरी मुंह दिखाई पे दे दें। वाजपेयी चूंकि बहुत इत्तेफाक से बोलने वाले व्यक्ति थे, साफ बात करते थे, उन्होंने कहा मुझे कोई इतराज नहीं यदि मेरे दहेज में, मुझे दहेज में ये पूरा पाकिस्तान मिलेगा। मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। और एक बार वो अब्दुल कलाम साहब के साथ बैठे, जब ये पोखरण वाला ब्लास्ट हुआ तो उस ब्लास्ट से पहले वो उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है। अब्दुल कलाम बोले सब ठीक है लेकिन ये सारी बातें बड़ी गुप्त रखने वाली हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसने कहा भाई तुम भी कवारे हो, मैं भी कवारे हूँ, अब वो बात घर से निकलेगी कहाँ। बाकी ये बात तो समझने की है, कहने की नहीं है। आप लोग कभी भी तालियां नहीं बजाते। हाँ, मुझे अभी बताया गया था, धवन जी जिक्र कर रहे थे मुझसे कि दिल्ली में किसी जगह पे जहाँ पे कि हॉस्टल था, तो हॉस्टल में जो हॉस्टल के इंचार्ज थे, आज के दिन जब उन्होंने कहा कि अब जो रक्षाबंधन आ रहा है तो मैं ये अब देखूँगा, लड़कों से कहा किस किस की बहन अब राखी बांधने आती है और जिसकी बहन नहीं आई तो उसका खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। सारा साल तो घूमते रहे, सारे साल तो बताकर, हाँ अब देखेंगे। ये एक जोक सुना रहे थे तो मैंने कहा आपको शेयर कर दूँ। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। तेरे प्यार की रोशनी ऐसी कि हर तरफ उजाला ही उजाला नजर आता है, सोचता हूँ घर की बिजली कटवा दूँ क्योंकि कमबख्त बिजली बिल बहुत आता है। कर दिया इश्क ने हमें इतना निकम्मा कि हमने उनके जुल्फों के साए में रहने की कसम खा डाली, पर क्या करें उस बेवफा का जिसने अपनी जुल्फें ही कटवा डाली। जिसकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उसे कोई गम नहीं। जिसकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उसे कोई गम नहीं। तुम तड़प के रो दिए,
तो क्या हुआ? गम छुपा के हंसाने वाला भी कम नहीं, गम छुपा के हंसाने वाला भी कम नहीं। कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। जरूर लिखता होगा कोई कागज और पत्थर का नसीब, वरना ये मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, और कोई कागज रद्दी और कोई कागज गीता और कुरान बन जाए।